नेक्स्ट मैंने ली है ये टू पीस ड्रेस या कोट सेट, थाई हाई स्लिट होती है वो स्कर्ट है, और उसके साथ है ये ऑफ शोल्डर टॉप। वियर करने के बाद बहुत नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। और इसका जो फैब्रिक है, इसका फैब्रिक बिल्कुल 100% पॉलिस्टर है, और ये मैंने मिंत्रा से लिया है, मुझे अराउंड 800 रुपीज़ समथिंग कुछ पड़ी है। इसका एग्जैक्टली प्राइस मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी। और हॉलीडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, मैंने अपने नेक्स्ट हॉलीडे के लिए मंगाई है। अभी मेरा जो नेक्स्ट हॉलीडे है वो मतलब कम्प्लीटली मैं प्लान कर चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, और वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बट मेरा कोविड के बाद लास्ट फरवरी में मैं दुबई गई थी, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगा, तो उसी के लिए ये ड्रेस मैंने मंगाई है, कोट सेट, सॉरी ड्रेस नहीं है ये, कोट सेट है, टू पीस सेट जो आते हैं मैंने मंगाया है, बहुत ही प्यारा है। अगर आप भी किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई देके जरूर देखिएगा। इसका जो ये ऑफ शोल्डर टॉप है, इसको तो आप वेयर कर सकते हैं, इसको आप हाई वेस्ट जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, या हाई वेस्ट आपके पास अगर ब्लैक कलर का ट्राउजर है, वाइट कलर का है, ब्लू डेनिम है, उसके साथ ये चला जाएगा, या आपके पास सॉलिड वाइट या ब्लैक कलर की स्कर्ट है उसके साथ भी चला जाएगा। बट इस स्कर्ट को आप सिर्फ हॉलीडे पे ही वियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई स्लिट स्कर्ट है। बट हाँ, अगर आप इसको बाद में वियर करना चाहते हैं कैजुअल वे में या शॉपिंग के लिए, तो फ्रंट में आप इसको हल्का सा थोड़ा नी तक या नी से हल्का सा ऊपर आप इसको स्टिच करा लीजिए तो ये चल जाएगी। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे अगर आप चाहें तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्लिट है बहुत ही ज़्यादा हाई ऊपर तक स्लिट्स हैं। और नेक्स्ट जो आउटफिट है, नेक्स्ट है ये H&M के ब्लैक कलर के डेनिम शॉर्ट्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ, और ये मैंने लिए हैं साइज 40 में। अगर आपका वेस्ट साइज या जो भी जींस, अगर आप 28 या 29 वेस्ट में आप जींस वेयर करते हैं, तो H&M का 40 साइज आपके बिल्कुल परफेक्टली फिट आएगा। और ये इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 999 रुपीज़, और ये भी H&M का जो भी न्यू कलेक्शन आया, फ्रेश अराइवल आया है, उसी में लगा हुआ था। बट मैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख रही थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है May 2020। तो बाद में जो मैंने लास्ट भी आप सबके साथ शेयर किए थे कि ये न्यू कलेक्शन है, फ्रेश अराइवल है, बट इनका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे, आप यहाँ पे ये टैग जो लगा होता है इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे, तो सब पे मैन्युफैक्चरिंग डेट May या April 2020 है। तो उस टाइम लॉकडाउन था, तो मुझे लगता है कि उस टाइम का जो भी स्टॉक आया होगा या उस टाइम उससे पहले ही मैन्युफैक्चर हुआ होगा और शोरूम तक नहीं आया होगा, तो तब का ये है। बट अच्छा है, 999 रुपीज़ में पहनने के बाद इसका फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा आता है, हाई वेस्ट है, और इसके साथ भी कुछ लूज फिट ब्लैक कलर का टॉप या शर्ट आप वियर कीजिए, और साथ में ब्लैक कलर के आप जो एंकल लेंथ बूट आते हैं वो पहन लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके साथ टी शर्ट कैरी कर लीजिए, ऊपर से ब्लेजर कैरी कर लीजिए, नीचे हील कैरी कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है 999 में, मतलब बेस्ट लगा है मुझे ये शॉर्ट्स। नेक्स्ट है ये शर्ट, ये मैं आपको शर्ट पहले पास से दिखा देती हूँ, ये आप देखिए, ये वाइट एंड पिंक कलर लाइनिंग की है। इससे पहले जो मैंने H&M की आपको शर्ट दिखाई थी वो वाइट एंड ब्लू कलर की थी, और बट वो H&M से मैंने ली थी, और ये मैंने मिंत्रा से मंगाई है। ये है गैप की, 100% कॉटन में है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। समर्स के लिए मुझे बिल्कुल 100% कॉटन या लिनन की जो शर्ट्स होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको वाइट जींस के साथ मैं कैरी करूँगी, या इसको जो मैंने लिनन का आपको अपना ट्राउज़र दिखाया था उसके साथ कैरी करूँगी, बहुत ही अच्छी लगेगी, और मतलब बिल्कुल बेस्ट है ये शर्ट। इतना लाइट सा प्यारा सा पिंक कलर है, और मेरे पास सेम इसी कलर के जो मैंने प्यूमा के शूज़ खरीदे थे वो भी हैं, तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ मैच कर जाएंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। इतना लाइट सा बिल्कुल प्यारा सा कलर है समर्स के लिए। नेक्स्ट है ये प्लाजो। अगर आपने मेरा गोवा व्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने गोवा में ये वियर की थी। मैंने पोलका डॉट के साथ, पोलका डॉट जैसे हम प्रिंट ऑन प्रिंट आउटफिट कैरी करते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है, प्रिंट ऑन प्रिंट भी अगर आप स्टाइल करते हैं, ऐसे ही मैंने पोलका डॉट के साथ पोलका डॉट वियर किया था। ये वाइट बेस पे ब्लैक पोलका डॉट है, और इसके ऊपर मैंने शर्ट वियर की थी ब्लैक बेस पे वाइट पोलका डॉट। ये थोड़ा सा बड़ा पोलका डॉट प्रिंट है, वो थोड़ा सा छोटा है H&M की शर्ट है मेरी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये प्लाजो जो है ये जिंजर ब्रांड की है, मैंने 30 वेस्ट में ली है, मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आई है, और ये कॉटन में है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट 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 फैब्रिक है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइड में इसके जिप क्लोजर है, मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये यहाँ पे ऐसे साइड में ये जिप क्लोजर है, और दोनों साइड में प्लस पॉइंट इस प्लाजो का है कि इस साइड में भी पॉकेट है इसमें और इस साइड में भी पॉकेट है, स्ट्रेट फिट में है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा पोलका डॉट का बॉटम अगर आप वियर करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। आप चाहे तो इसको टी शर्ट के साथ कैरी करें, शर्ट के साथ कैरी करें, टॉप के साथ कैरी करें, चाहे तो आप इसको ब्लैक कुर्ते के साथ इस प्लाजो को कैरी करिए कि ब्लैक आप कुर्ता वियर कर लीजिए सॉलिड ब्लैक और उसके साथ ये पोलका डॉट का बॉटम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। बहुत ही प्यारी फैब्रिक है, सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है, मतलब जिंजर ब्रांड का मुझे कोई आउटफिट पहली बार इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। जिंजर लाइफ स्टाइल का अपना होम ब्रांड है और इसके जो आउटफिट है मैं इतना प्रीफर नहीं करती, बहुत ही रेयरली कभी कभी मैं परचेज़ करती हूँ, बट ये पोलका डॉट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने परचेज़ की, और इस प्लाजो ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आप इसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट जो आउटफिट है वो है ये पैंट, ये मैंने ली है मार्क्स एंड स्पेंसर से और ये है ऑफ वाइट कलर में। ये मैंने क्यों परचेज़ करी है मैं आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट, अगर आपने मेरा शॉपिंग हॉल देखा हो कि विंटर्स में जो शॉपिंग हॉल मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने एच एन एम से मैंने एक ब्लेजर लिया था ऑफ वाइट कलर का, उसी के साथ मुझे प्रॉपर एक लुक अपना क्रिएट करना था। मुझे मैं ऐसे चाहती थी कि ब्लेजर को आप जीन्स के साथ तो उसको कैरी कर ही सकते हैं, जो मैंने व्हाइट कलर का H&M से ब्लेजर लिया था, बट अगर एक पूरा सूट लुक है आपको क्रिएट करना है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी कलर के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही थी, तो उसी के साथ मैंने इसको वियर किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर आप मार्ट्स एंड स्पेंसर से कोई भी आउटफिट ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 टाइप ऑफ आउटफिट बताऊंगी जो आपको मार्ट्स एंड स्पेंसर से जरूर 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 ट्राई करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो अभी हम इस पेंट की जो बात कर रहे थे, ये मैंने ली है साइज आई थिंक 10 में होगी, ये 8, ये मैंने 8 साइज में ली है, मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट आई है। बैक साइड में इसमें ये जो पॉकेट वगैरह बैक साइड में देते हैं, ये पॉकेट नहीं है, पूरा स्टिच है, बस लुक देती है पॉकेट का। पीछे की साइड में इलास्टिक है यहाँ पे और हाई वेस्ट आती है बिल्कुल, और क्रॉप है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मेरे पास मार्क्स एंड स्पेंसर से 3-4 हैं अलग अलग कलर की पैंट्स, बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर जाते हैं तो इसको ज़रूर आप एक ट्राई देके देखिएगा, बिल्कुल बेस्ट आउटफिट मुझे ये मार्क्स एंड स्पेंसर का लगता है। और ये मुझे आई थिंक 999 रुपीज़ की मिली थी, इसकी जो MRP इसकी MRP है 1999, और ये मुझे कुछ डिस्काउंट पे मिली थी, 999 समथिंग की मिली थी, क्योंकि इसका एग्जैक्टली प्राइस मुझे याद नहीं है और मैं यहाँ वीडियो में भी मेंशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के स्टोर से ली थी, तो बिल और इसका टैग वगैरह मेरे पास नहीं है, बट इसका प्राइस मुझे अराउंड 1000 था, कि इन बिटवीन 900 to 1000 रुपीज़। तो अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर जाते हैं तो इसको जरूर एक ट्राई देके देखिएगा, ये आपको बहुत सारे कलर में मिल जाएगी, येलो, लेवेंडर कलर और पिंक कलर, ग्रीन कलर, बिल्कुल लाइट जो मिंट ग्रीन आता है, बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। आज बहुत ज़्यादा आउटफिट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो आउटफिट है, नेक्स्ट है ये डेनिम की शर्ट। इस शर्ट में दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, डेनिम शर्ट मेरे पास ऑलरेडी 2-3 शर्ट है डेनिम की, एक न्यूमेरो यूनियन की, एक लिवाइस की है, और एक मेरे पास किसकी है, मेरे पास आई थिंक मार्क्स एंड स्पेंसर की है, किसकी है, मेरे पास मतलब 2-3 शर्ट है लिवाइस उसकी डेनिम की, पर ये शर्ट मैंने दो वजह से ली। एक तो इस पर जो ये पैच वर्क हुआ है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है शर्ट पर, ये आप देखिए यहाँ यहाँ और इधर यहाँ स्लीव्स पे इस टाइप से, और दूसरा इसका जो ये फैब्रिक है, इसका जो बेस है वो टाई एंड डाई में है, ये देखिए लाइट एंड डार्क, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने ली है ब्रांड कूक एंड कीच से, स्मॉल साइज में ली है, बट इस शर्ट में मुझे बस एक चीज़ जो आने के बाद मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया कि इस शर्ट बहुत ज़्यादा मोटे फैब्रिक में है, बहुत ही ज़्यादा मोटे फैब्रिक में है, कि मुझे ऐसे लगता है कि समर्स में इसको अगर मैं पहनूंगी तो डेफिनेटली इसमें गर्मी लगेगी। डेनिम है, कॉटन में होगा, स्ट्रेचेबल नहीं है, 100% कॉटन में है, बट बहुत ही ज़्यादा मोटा फैब्रिक है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं इसको समर्स में नहीं पहन पाऊंगी, बट ये मैंने इसकी लुक की वजह से मैंने ये रिटर्न नहीं की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल ये इसमें शर्ट में ये स्लिट्स हैं, जब मैंने परचेज़ करी थी तो मुझे नहीं दिखी थी, इस टाइप की शर्ट मैं बहुत ही कम प्रीफर करती, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती।
सॉरी, बट ये मैंने आने के बाद देखी तो, बट इसका लुक जो शर्ट का था वो इतना प्यारा था इसलिए मैंने ये रिटर्न नहीं की शर्ट। और इसकी प्राइस वगैरह मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी। मिंत्रा से मैंने मंगाई थी तो प्राइस वगैरह मुझे याद नहीं है, इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगी। अगर आप भी सिर्फ ये लुक आपको अच्छा लगता है, ये पैचवर्क और टाई एंड डाई, और आप इसको बिल्कुल फेडेड जींस के साथ आप वियर कीजिए, बिल्कुल लाइट कलर की जो डेनिम होती है उसके साथ आप इसको वियर कीजिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने ये वियर की है, वॉश भी कर चुकी हूँ। लुक वाइज तो ये शर्ट नो डाउट बहुत अच्छी लगती है, बट थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है वो मोटा है तो मुझे लगता है कि मैं समर्स में शायद इसको पहन नहीं पाऊँगी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा इस शर्ट ने डिसअपॉइंट किया था कि थोड़ा सा अगर ये थोड़े से सॉफ्ट और पतले फैब्रिक में होती तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती ये शर्ट। और आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आउटफिट है वो है ये ओवरसाइज शर्ट। ये आप देखिए लो एंड हाई शर्ट है और ये मैंने ली है यूनिक्लो से, और इसका जो साइज़ मैंने लिया है ये मीडियम साइज़ में लिया है। मीडियम साइज़ में मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसाइज शर्ट है, बट स्मॉल साइज़ इसका अवेलेबल नहीं था। ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये शर्ट मैंने क्यों परचेज़ करी है, क्योंकि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें देखा होगा कि सेम इसी टाइप की शर्ट मैं ऑलरेडी H&M से परचेज़ कर चुकी हूँ। बट मैंने इस टाइप की जो शर्ट देखी थी, अभी काजल अग्रवाल की जो न्यू सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे है, कहाँ पे है सीरीज़ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप डाल के देखिएगा। काजल अग्रवाल की जो न्यू सीरीज आई है उसमें काजल अग्रवाल ने सेम पहना है, इसी टाइप की ओवरसाइज लॉन्ग ये शर्ट पहनी है, उसके ऊपर इन्होंने स्वेटशर्ट पहनी है और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फिट रिप्ड जींस पहनी है और साथ में उन्होंने कैरी करे हैं स्नीकर्स। बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये परचेज़ करी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये शर्ट। और इस शर्ट का जो MRP था, इसका MRP था 1990 और ये मुझे मिली है 990 रुपीज़ की, और बहुत ही प्यारी शर्ट है। और मैंने जैसे काजल अग्रवाल का लुक देखा था सेम उसी टाइप का लुक मैं क्रिएट करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये शर्ट। सो ये थी आज की वीडियो, मेरा शॉपिंग हॉल। आपको कैसा लगा, कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।